$96.9. टोटल बिल है वो है $96.29. हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। होपफुली आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो अभी हम लोगों के घर पर जो इंडियन ग्रॉसरी है वो कुछ ख़त्म हो गई है, तो हम लोग जा रहे हैं इंडियन ग्रॉसरी स्टोर। तो मैं आप लोगों को भी लेकर चलती हूँ और दिखाऊंगी कि वहाँ पर क्या क्या ग्रॉसरी मिलती है इंडियन और उनका प्राइस क्या क्या है। तो चलिए चलते हैं। गाइज, ये है पटेल ब्रदर्स और ये सबसे बड़ा इंडियन ग्रॉसरी स्टोर है यहाँ पर। तो यहाँ पर जितनी भी इंडियन ग्रॉसरी होती है वो सब मिल जाती है, किसी भी स्टेट से हो इंडिया की सब कुछ मिल जाता है। तो आप देख सकते हैं कि जाते ही कुछ सब्जियाँ हैं, करेले हैं और यहाँ पर शुगर केन भी आया हुआ है अभी। तो ये जब इसका सीज़न होता है तब ये भी मिल जाता है यहाँ पर। इस तरफ कुछ फ्रूट्स हैं तो यहाँ पर फ्रूट्स भी सारे मिल जाते हैं, जो इंडिया में होते हैं वो यहाँ पर भी मिल जाते हैं। तो देखिए, यहाँ पर जलेबियाँ भी मिल जाती हैं, गरम गरम नहीं मिलती हैं बट मिल जाती हैं। ऑब्वियसली यहाँ पर जो चीज़ें होती हैं वो एक्सपेंसिव होती हैं कंपैरिजन टू इंडिया, क्योंकि वो वहाँ से आती हैं तो उनके शिपिंग चार्जेस भी पड़ते हैं। जैसे लीची यहाँ पर 500 रुपये की आधा किलो है और इंडिया में थोड़ी सस्ती होती होंगी। यह कॉलीफ्लावर 2.49 का पर LB यानी कि आधा किलो, और ये है भिंडी 4.49 की। तो आप देख सकते हैं कि जो भी इंडियन सब्जियां होती हैं वो सब कुछ दिख रही हैं यहाँ पर। तो मतलब अभी आप लोगों को देखकर ऐसा लगेगा कि मैं किसी सब्जी मंडी में हूँ, पर मैं स्टोर के अंदर हूँ यहाँ पर, जो इंडियन ग्रॉसरी स्टोर है। और इसके अंदर सब कुछ मिल जाता है, जो भी इंडियन सब्जियाँ होती हैं, किसी भी स्टेट की सब्जियाँ होती हैं, वो सब कुछ यहाँ पर मिल जाता है। तो यहाँ पर जितनी भी सब्जियाँ हम इंडिया में खाते हैं वो सारी सब्जियाँ यहाँ पर मिल जाती हैं ईज़िली इस स्टोर में। और जो भी पूजा में जो सामान लगता है, जैसे आम के पत्ते, पीपल के पत्ते, केले का पेड़, वो सब कुछ भी यहाँ पर ईज़िली मिल जाता है। थोड़ा सा एक्सपेंसिव होता है बट ईज़िली मिल जाता है। तो देखिए, कच्ची हल्दी भी मिल जाती है यहाँ पर आराम से। जैगरी मसाले, गरम मसाला ले जाना मुझे। तो इस स्टोर के अंदर आने के बाद ना बिल्कुल बिग बाज़ार जैसी फीलिंग आती है, जैसे वहाँ पर भी सब कुछ मिल जाता है, ग्रॉसरी, बर्तन, सब्जियाँ, फ्रूट्स। तो यहाँ पर भी सब कुछ ईजिली मिल जाता है, ग्रॉसरी, बर्तन, सब्जियाँ, स्पाइसेस, सब कुछ ही मिल जाता है इसके अंदर भी। तो मैं आप लोगों को एक चीज़ दिखाती हूँ जो मुझे पर्सनली बहुत महंगी लगती है यहाँ पर, वो है इलायची का पैकेट, $14 का यानी कि 1000 रुपये का, और इतना छोटा सा पैकेट मिलता है। तो यहाँ पर ना जितने भी स्पाइसेस होते हैं, जैसे क्यूमिन पाउडर, कोरिएंडर पाउडर, रेड चिल्ली पाउडर, टर्मरिक पाउडर या गरम मसाला, खड़े मसाले और इलायची, तो इन सब का जो प्राइस होता है वो मुझे कंपैरिजन टू इंडिया कुछ ज़्यादा लगता है।
तो चलिए अब देखते हैं कुकीज़ और बिस्किट। तो इंडिया में जितने बिस्किट मिलते हैं वो सब कुछ यहाँ पर मिल जाता है। क्रीम रोल ये देखिए, ये है क्रीम रोल, तो ये भी इजीली मिल जाता है। और ब्रिटानिया का जो फ्रूट केक आता है वो भी यहाँ पर इजीली मिल जाता है। तो जितने भी स्नैक्स होते हैं वो सब कुछ मिल जाते हैं इस स्टोर के अंदर। ये है नमकीन के पैकेट। और ये है सबका फेवरेट पार्ले जी, तो ये भी यहाँ पर मिलता है। अब मैं दिखाती हूँ मिठाइयाँ। तो हल्दीराम का पेड़ा, हल्दीराम की काजू कतली, बूंदी के लड्डू, गुलाब जामुन, काले जामुन, सब कुछ मिल जाता है यहाँ पर। तो आप लोगों को लग रहा होगा कि मैं किसी इंडिया में किसी स्टोर के अंदर हूँ यहाँ ये सब कुछ चीज़ें देखकर। तो यहाँ पर सब कुछ मिल जाता है ये। तो यहाँ पर ना हम सब की फेवरेट 2 मिनट वाली मैगी नहीं है अभी। अब मैं मिलवाती हूँ आपको एक घूमने वाली मिठाई से, जो कि दिवाली में हमेशा घूमती रहती थी, यहाँ से वहाँ, वहाँ से वहाँ, सोन पापड़ी। ये है घी, $50.99 का। तो घी भी थोड़ा महंगा होता है यहाँ पर। ये है इंडिया वाला टमेटो सॉस, और इसकी बात ही कुछ अलग है, इसे केचप का भी बीट कर ही नहीं सकता। ये देखो सफोला ऑयल। तो अब चलते हैं दालों की तरफ। तो यहाँ पर उड़द की दाल, अरहर की दाल, राजमा, चने, काले चने और गहत की दाल, सब कुछ ही मिल जाता है। और इनके प्राइस भी लिखे हुए हैं साथ में, तो आप लोग देख सकते हैं। तो ये है टी स्टेनर, और इसका जो प्राइस है वो सच में बहुत ज़्यादा होता है यहाँ पर। तो जो भी यहाँ मूव हो रहा है वो अपना टी स्टेनर लेकर आए। तो ये सारे इंडियन बर्तन यहाँ पर भी मिल जाते हैं, और इनको मैं बस ऐसे ही देखकर हर बार छोड़ देती हूँ कि नेक्स्ट टाइम खरीदूँगी, क्योंकि ये बहुत एक्सपेंसिव होते हैं। इनका प्राइस भी लिखा हुआ है साथ में, आप लोग देख सकते हैं। देखिए झाड़ू भी मिल जाता है यहाँ पर। ये है फ्रोजन फूड, फ्रोजन पराठे, मेथी पराठा, समोसा, मोमोज, स्प्रिंग रोल, इडली एंड डोसा, तो सब कुछ ही मिल जाता है। राइस कौन से ले जाना है? अभी रख देते हैं। एक हफ्ते दिन में भी खत्म हो जाएगा। ये है मिलेट, जिसे हम लोगों के यहाँ पर झंगूरा कहते हैं, और यहाँ पर इसे मिलेट कहते हैं। तो ये भी इजीली मिल जाता है यहाँ पर।
अब चलते हैं पूजा के सामान की तरफ। तो पूजा का भी यहाँ पर सारा सामान मिल जाता है, अगरबत्ती, धूप, रोली, दिया, भगवान जी की मूर्ति, लोटा, कपड़ा, सब कुछ ही मिल जाता है, बट थोड़ा सा एक्सपेंसिव होता है ये भी। तो गाय छोटू पार्ले जी भी मिल जाता है यहाँ पर, और ये $1 के 5 पैकेट हैं छोटे छोटे। तो हम लोग आ गए हैं वापस ग्रॉसरी स्टोर से, और मैं क्या क्या लेकर आई हूँ मैं अभी आप लोगों को दिखाती हूँ। तो जो भी मैं लेकर आई हूँ उसका जो टोटल बिल है वो है $96.29, यानी कि $97, और अगर इंडियन रुपीज़ में कन्वर्ट करें तो 6 से 7,000 रुपीज़ होगा। तो इसमें मैं बहुत सारी चीज़ें नहीं लेकर आई यार, क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी स्टॉक्स में थी, जैसे दालें मेरे पास थी, बेसन, सूजी, बहुत सारी चीज़ें मेरे पास थी तो मैं नहीं लेकर आई। और मोस्टली जो सब्जियां और फल होते हैं वो हम वॉलमार्ट एंड क्रोगर से ही लेकर आते हैं, क्योंकि वहाँ पर थोड़े से सस्ते पड़ते हैं इंडियन स्टोर के कंपैरिजन में। वो इसलिए पड़ते हैं, प्राइस तो लगभग सेम होता है, बट इसलिए पड़ते हैं क्योंकि हम जब इंडियन स्टोर जाते हैं तो हम वहाँ से सब्जी के साथ साथ स्नैक्स भी उठा ले आते हैं, तो सब्जियाँ कम और स्नैक्स ज़्यादा आ जाती हैं फिर हर हफ्ते। तो इस चक्कर में हम जब इंडियन स्टोर केवल तभी जाते हैं जब हमारी दाल या राइस और आटा ऐसी कोई चीज़ ख़त्म हो जाती है, तो तभी हम जाते हैं, मंथली या 2 महीने में जाते हैं कई बार। बाकी हम वीकली मिल्क और वेजिटेबल्स और फ्रूट जो लाते हैं वो क्रोगर और वॉलमार्ट से ले आते हैं। तो मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि मैं क्या लेकर आई हूँ और उसका प्राइस क्या क्या है। तो ये सारा सामान मैं लेकर आई हूँ अभी स्टोर से। तो सबसे पहले मैं दिखाती हूँ दही, क्योंकि दही मुझे सिर्फ इंडियन स्टोर की ही पसंद है, और इसका जो प्राइस है ये है 7.49, यानी कि 550 या 600 रुपये लगा लो इंडियन अगर मैं चेंज करूँ तो। और ये है रस्क का डिब्बा, ये है 2.99 का, इसके अंदर 2 होते हैं, 2 पैकेट। और ये है टी लीव्स हैं ये, और ये है 8.99 की, और ये है अचार 3.49 का, और ये है अरहर की दाल, तुर दाल, काले चने, और ये है उड़द की दाल, खट्टा मीठा नमकीन है ये, और ये है मसूर मलका की दाल, ये है कुरियंडर लीव्स, धनिया पत्ती, और ये 2 बंच है $1 के। तो पहले तो धनिया जो था इंडिया में सब्जी के साथ फ्री मिलता था, लोग फ्री में लेकर आते थे, बट शायद अब वो इंडिया में भी फ्री नहीं मिलता है। और ये है जिंजर अदरक, तो ये है 3.99 का पर LB, बट ये 1 LB नहीं है, उससे थोड़ा कम है। ये है कोरिएंडर पाउडर और इसका प्राइस है 4.49, और ये है रेड चिल्ली, रेड चिल्ली का प्राइस है 2.99, गरम मसाला इसका प्राइस है 3.99, एंड जिंजर पाउडर इसका प्राइस है 3.49। ये है आशीर्वाद का होल व्हीट आटा और इसका प्राइस है $13.99, और ये है रॉयल का बासमती राइस, ये भी 20 LB का है, यानी कि 13 kg का, और इसका प्राइस है 21.99, यानी कि $22, मतलब 1600 रुपये लगा लो, 1600 या 1650 रुपये। तो गाइज़ यही सारी ग्रॉसरी मैं लेकर आई थी आज, और मैंने आप लोगों को इंडियन ग्रॉसरी स्टोर और उसके प्राइस भी दिखाए यहाँ पर कि इंडियन ग्रॉसरी के प्राइस क्या क्या होते हैं। तो आई रियली होप कि आप लोगों को पसंद आया होगा आज का वीडियो, अगर पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कीजिएगा, और जिन्होंने सब्सक्राइब किया है ऑलरेडी उनके लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़, एंड बाय बाय, टेक केयर।